हम लोगों को क्या चाहिए? फाइनेंशियल फ्रीडम, फाइनेंशियल पैसे की आजादी। अभी पिछले 20 साल से मैं खेती का काम कर रहा हूं, अगर 20 साल में नहीं मिली तो गारंटी क्या है कि अगले 20 में मिलेगी? सही सर। तो मुझे अपना वो ट्रैक बदलने की जरूरत है, अपना वो हिस्सा बदलने की जरूरत। वस्तु कहीं गुम कहीं और हुई है, ढूंढ हम कहीं और रहे हैं, लेकिन वो मिलेगी कैसे? टीएस दीवान मेहनत बहुत करता था, लेकिन स्टेज पे कब पहुंचा, यहां कब पहुंचा? आप लोगों के लिए ग्रेट अपलाइन कब बना? जब मैंने अपनी जिंदगी में अपनी ग्रेट अपलाइन को ऐड किया, जिम्मेवारी ली। ये जिम्मेवारी का काम है, ज्वाइनिंग का काम ही नहीं है जी ये। थोड़ा सा आगे, हमने घर की सलामती के लिए खुद को घर से निकाल रखा है। बिजनेस किसका बिल्ड होता है? घर तब सलामत है, एक आध बंदे को तो शहीद होना पड़ता ही है। हम आजादी आजादी तो चिल्ला रहे, पर सोचते ये हैं कि जब बारिश शहीदी की आए तो अपलाइन की चली जाए। घर कब सलामत होता है? एक आध बंदे को यह जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी। मैं अपनी टीम को डुप्लीकेट करूंगा, मैं अपनी टीम को पूरी दुनिया में फैलाऊंगा, मैं अपनी टीम का सबसे बड़ा लीडर बनूंगा, मैं मेरी टीम पूरी इंडिया में नंबर वन पे होगी। ये जिम्मेवारी भरा फैसला होता है। उत्साह पैदा करो कि पूरे महाराष्ट्र में फैल जाऊंगा, मैं पूरे महाराष्ट्र में, पूरे महाराष्ट्र में फैल जाऊंगा। आगे ये क्या देखिए, धर्म युद्ध कुरुक्षेत्र, ये भी एक धर्म युद्ध है। सुनाया तो लाखों को था, पर अर्जुन तो कोई एक निकला। सुनाया तो लाखों को था, यही वो चीज आज हम लोगों को सीखनी है कि मैं भी इस दुनिया की भरी दुनिया के बीच में खड़ा हूं। आपकी ग्रेट अपलाइन के द्वारा आपको जिंदगी बदलने का नॉलेज दिया जा रहा है, पर क्या मैं जिम्मेवारी लेता हूं कि मैं इस जीवन को गरीबी से अमीरी में तब्दील कर दूंगा? क्योंकि हम सब कुछ कर सकते हैं। हम ये कह सकते हैं कि विजय ये टाई अच्छी नहीं है, इसको चेंज करो। हम कह सकते हैं ये शूज अच्छे नहीं है, इसको चेंज करो। पर ये वाला जो डिपार्टमेंट है, आपको खुद बदलना पड़ेगा। खुद जिस दिन आप ये जिम्मेवारी लोगे, टीमों के ड्रीम चार्ट तैयार करो, खुद भी तैयार करो। ये सोने की उम्र नहीं है। आंखों में है नींद बड़ी, पर सोना नहीं है। यही समय है कुछ करने का, इसे खोना।